मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। लेमनटाना रेस्टोरेंट के वकील नईम बुखारी और चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के मामलों पर हम पर उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी बोले, आप समझते हैं आवाज़ ऊंची करके मुझे डराएंगे, मैं डरने वाला नहीं। कहा, मेरे मौकल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर होल्डर हैं जिनको सुना ही नहीं गया। अपने नुमाइंदे सनाउला से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। सनाउला बताएगा कि इन जुमलों का तबादला हुआ, क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। जी बिल्कुल, मारगला नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट समेत देगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराई में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहे हैं। नामनाता रेस्टोरेंट के वकील नईम बुखारी जो है इस वक्त दलाइल दे रहे हैं अदालत के अंदर। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने जब इब्तिदा में नईम बुखारी को मुखातिब करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम परिकेन की रजामंदी से पहले फैसला दिया, रजामंदी से 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने का कहा गया, फिर नजरसानी की ये दरख्वास्त कैसे आप कर सकते हैं, अपील कैसे कर सकते हैं। फिर नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कहा कि रजामंदी से रेस्टोरेंट तो खत्म नहीं किया गया था, बल्कि मजबूरी से हमने फैसला मान लिया था। हमारे सामने जो है दो ऑप्शन थे कि या तो खुद से रेस्टोरेंट खत्म करें वरना फिर सीडीए की जानिब से गिरा दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल जो है डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, वो उनकी 66% वो शेयर होल्डर है जिनको सुना ही नहीं गया, वो उस वक्त मुल्क से बाहर था और उन्हें सुनने का मौका ही नहीं गया। तो उस दौरान जो है कि जस्टिस साहब और सही है सनाउल्ला हमें रिमार्क्स के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।